please subscribe to my YouTube channel Just Eat Right. और मेरी रेसिपी की रेगुलर अपडेट के लिए आप बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। हेलो मेरे फूडी फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुष्का और आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा चिवड़ा। आज हम महाराष्ट्रियन स्टाइल पोहा बनाने जा रहे हैं। ये खास करके दिवाली में बनाया जाता है और इसे स्वीट्स के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये पोहा चिवड़ा की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी है। आप इसे एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हमें इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले हम एक बड़ा सा प्लेट लेंगे और एक छन्नी लेंगे। छन्नी में हम पोहा लेंगे और उसे छान लेंगे। जो छोटे छोटे टुकड़े आएंगे उसे हम बाजू में निकाल देंगे। हमने यहाँ पे 250 ग्राम पोहा लिया है और पतला पोहा यूज़ किया है। पोहे को हम थोड़ा थोड़ा लेके इसे छान लेंगे। सब पोहे अच्छे से छान लेंगे। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें छाने हुए पोहे डालेंगे और उसे धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे। जब आप रोस्ट करते हो तो ध्यान रखें इसे हल्के हाथ से घुमाएं, क्योंकि हम यहाँ पे पतला पोहा यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ही डेलिकेट रहता है, नहीं तो पोहे टूट सकते हैं। जब तक पोहे का टेक्सचर चेंज हो जाए और क्रिस्पी बन जाए तब तक उसे रोस्ट करना है, इसलिए हमें करीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। जब पोहे अच्छे से रोस्ट हो जाए तब उसे हम एक बड़े प्लेट में निकाल लेंगे। और उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए अब हम उसमें 50 ग्राम मूंगफली डालेंगे और उसे धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे। हल्का सुनहरा कलर आएगा तब तक हम उसे फ्राई करेंगे। अब हम 50 ग्राम दालिया डालेंगे। दालिया को भी हम हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। सुनहरा कलर आएगा तब तक हम फ्राई करेंगे। पचास ग्राम कटी हुई बादाम लेंगे और उसे भी हम हल्की आंच पे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। पचास ग्राम कटे हुए काजू लेंगे, उसे भी हम धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे और हल्का सुनहरा कलर आएगा तब तक हम उसे फ्राई करेंगे। दो चम्मच तिल लेंगे और उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हम सबसे लास्ट में सूखे नारियल के स्लाइसेस लेंगे और उसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम सबसे लास्ट में लेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। सब अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहो तो उसे पेपर नैपकिन पे निकाल लें ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो या एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लेंगे। आप चाहो तो इसमें 8 से 10 कलियां लहसुन की डाल सकते हैं। मैंने लहसुन इस्तेमाल नहीं किया है। उसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच हम राई डालेंगे। राई के बाद हम 2 कटा हुआ हरा मिर्ची डालेंगे। आप चाहो तो अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा डाल सकते हो। हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई करना है, उसमें मॉइस्चर ना रहे वैसे उसे फ्राई करना है।
ब्राउन कलर आए तब तक मिर्ची फ्राई करें। साथ में 10 से 12 कड़ी पत्ता डालें। ताकि क्रिस्पी हो तब तक उसे फ्राई करें। अब उसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। अब जो कढ़ाई में हमने तड़का दिया है उसमें हम सारी चीजें मिला लेंगे, जैसे कि रोस्ट किया हुआ पोहा, रोस्ट की हुई मूंगफली, दालिया, बादाम, काजू, तिल, सूखे नारियल के टुकड़े, और ये सब हम अच्छे से मिला लेंगे। सब हल्के हाथ से हमें मिलाना है। आखिर में हम एक चम्मच पिसी हुई शक्कर और आधा चम्मच नमक मिला लेंगे। अब हम सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें उसे 3 से 4 मिनट तक मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट सब अच्छे से मिलाने के बाद इसका सुंदर पीला कलर आएगा। अब आप देखिए हमारा पीला कलर का सुंदर पोहा चिवड़ा तैयार है। आप इसे दिवाली में अपने गेस्ट को इसे मिठाई के साथ सर्व करें या आप चाय के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब चैनल जस्ट इट राइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।